एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस नॉलेज प्लस। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लास्ट वीडियो में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था हमारा पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नेम है द सेंट्रल गवर्नमेंट। हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे और पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट क्या होती है, कैसे होती है और पार्लियामेंट की हमारी सोसाइटी को, हमारी कंट्री को आखिर ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो इन सब बातों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम एक स्टोरी देख रहे थे कि जो है एक डिबेट हुई थी किसके बीच में, जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में और हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बीच में। ठीक है, तो उस डिबेट को हमने लगभग हाफ पढ़ लिया था। उसमें डिग्निटी वगैरह के बारे में भी बताया गया है, वो हम आगे कवर कर लेंगे, इसलिए स्टोरी अभी पढ़ने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। हम हमारा स्टार्ट करते हैं चैप्टर 249 पेज नंबर से। ठीक है, और कहाँ से, स्टोरी के नीचे से। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स सेट डाउन टू फ्रेम इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब क्या है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले बैठ गए थे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, इंडिया का संविधान बनाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, टू मॉडल्स को चूज़ किया। ठीक है, उनको दो मॉडल में से चूज़ करना था। बोथ दिस मॉडल्स वर डेमोक्रेटिक इन नेचर। अगर हम इन दोनों मॉडल्स के बारे में देखें तो दोनों ही क्या थे, डेमोक्रेटिक थे नेचर में। तो जो चॉइस थी वो किसके बीच में थी, वो चॉइस हमें दी गई पार्लियामेंट्री के बीच में और प्रेसिडेंशियरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है उसमें क्या है, कुछ सर्टेन डिस्टिंग्विश फीचर है, कुछ अलग फीचर्स थे। ठीक है, इस सिस्टम में क्या था, इस सिस्टम में एक क्लियर डिस्टिंक्शन था, एक क्लियर अलग बात थी कि इज मेड बिटवीन द हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट, कि ये किसके बीच में बनाया जाता था। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये किसके बीच में बनाया जाता था, ये बनाया जाता था हेड ऑफ स्टेट के बीच में और हेड ऑफ गवर्नमेंट के बीच में। तो जो हेड होता था स्टेट का, वो क्या हो सकता है, इज आइदर अ मोनार्क या फिर इलेक्टेड रिपब्लिकन हेड, मतलब क्या है, या तो वो मोनार्क हो सकता है। अब एक टाइप की गवर्नमेंट होती है बच्चों, मोनार्की। तो ये मोनार्की क्या होती है, मोनार्की ये होती है कि अगर कोई जो पर्सन है वो हम पे क्या कर ले, पूरी तरह से अधिकार कर ले, हमारी किसी भी बात को ना सुना जाए ना माना जाए, उसे बोलते हैं मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो क्या हो सकता है, या तो वो हेड मोनार्क में हो सकता है या फिर एक इलेक्टेड रिपब्लिकन, मतलब जिसे इलेक्ट किया हो लोगों ने अपनी सहमति से। तो ये जो हेड है स्टेट का, वो क्या होगा, नॉमिनल हेड होगा और उसके पास क्या होगी, पावर होगी सिर्फ नाम की। मतलब जो ये जो हेड होगा ना स्टेट का, वो सिर्फ नाम का हेड होगा, उसके पास पावर तो होगी बट यूज़ कोई और करेगा, क्योंकि दिस इज़ बिकॉज द हेड ऑफ स्टेट परफॉर्म सेरिमोनियल फंक्शंस ओनली, क्योंकि जो ये हेड होता है स्टेट का, उसे दूसरे जो फंक्शंस है वो करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे किसी को शपथ वगैरह दिलानी, ठीक है, दैट टू ऑन द एडवाइस ऑफ द हेड ऑफ गवर्नमेंट। और ये भी कैसे हो सकता है, तभी होता है जब जो हेड ऑफ गवर्नमेंट क्या देता है, एडवाइस देता है, उन्हें बताता है। तो अब आप सबको सोचकर बहुत हैरानी हो रही होगी कि मैम ये बार बार एक चीज़ बोले जा रहे हैं, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो ये होती क्या है। तो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो तो होता है बच्चों प्रेसिडेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है, स्टेट मतलब कंट्री के लिए भी यूज़ हुआ है। ठीक है, तो हेड ऑफ स्टेट क्या है बच्चों, प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर। कौन स्टूडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम हमारा पैराग्राफ। द प्राइम मिनिस्टर इज़ अ हेड ऑफ गवर्नमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो क्या होते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, और पावर्स जो है असली में वही इस्तेमाल करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उनके पास क्या होता है, मेंटेन होती है क्या, एक मेजोरिटी होती है लोकसभा में। ठीक है, दो टाइप की जो है सभा होती है स्टूडेंट, दो टाइप के हाउसेज होते हैं, एक होते हैं अपर हाउस, एक होते हैं लोअर हाउस। अपर हाउस क्या होता है, राज्यसभा, लोअर हाउस क्या होता है बच्चों, लोकसभा। ठीक है, तो जो लोकसभा है उसमें अच्छी खासी मेजोरिटी होती है प्राइम मिनिस्टर के पास, आइदर या तो सिंगल ही हो सकती है या फिर उन्होंने क्या किया हो सकता है, कॉम्बिनेशन बनाया हो सकता है दो पार्टीज का। ठीक है, तब क्या होता है, उनको मेजोरिटी मिल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये मेजोरिटी बता रहे हैं, मेजोरिटी समझ तो आ नहीं रहा। तो देखिए हम समझते हैं स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए कि हमारी टू गवर्नमेंट्स है, कांग्रेस एंड बीजेपी। ठीक है, और जो हमारी थर्ड पार्टी हम समझ लेते हैं, आम आदमी पार्टी, AAP, आप पार्टी। ठीक है, अब क्या है कि मान लीजिए कि जिस स्टेट से ये जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें टोटल कितनी सीट्स हैं, 200 सीट्स हैं, कितनी सीट्स हैं, 200 सीट्स है, और मेजोरिटी उस पर्सन की होगी जो कितनी सीट्स ले लेगा, जो 120 सीट्स ले जाएगा, कितनी सीट्स, 120। तो मान लीजिए कि बीजेपी के पास 100 सीट्स आ गई। ठीक है, आपके पास 30 सीट्स है और कांग्रेस के पास 70 सीट्स है। तो बीजेपी क्या करेगी, बीजेपी के पास मौका है क्यों,
क्यों? क्योंकि 120 अगर किसी की सीट आ जाएंगी, 120 अगर कोई सीट ले गया तो जो सरकार है उस पर्टिकुलर पर्सन की बन जाएगी। तो बीजेपी क्या करेगी, आपके साथ कॉम्बिनेशन बना लेगी, आपके साथ संधि कर लेगी, आपके साथ क्या करेगी अलायंस बना लेगी आम आदमी पार्टी के साथ कि क्या है ये जो 30 सीट्स है आप हमारे साथ मिल जाओ ताकि 100 और 30 मिलकर 130 हो जाए, जिससे जो हमारी मैक्सिमम मेजोरिटी है मतलब इस स्टेट में अगर हमें सीएम बनना है तो हमें 120 सीट्स कम से कम चाहिए, तो आप हमारा साथ दीजिए ताकि जो है हम मेजोरिटी को क्रैक कर पाएं। ठीक है, तो अगर आप इनका साथ देगी तो बीजेपी क्या बन जाएगी, बीजेपी की सरकार उस पर्टिकुलर स्टेट में आ जाएगी। तो इस टाइप से जो होता है सिस्टम, जो कोई या तो एक सिंगल पर्सन पार्टी का क्या बना सकता है, गवर्नमेंट बना सकता है, मेजोरिटी अगर मेजोरिटी नहीं आती तो साथ वाली पार्टी का सपोर्ट भी ले सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से जो है वर्क होता है। जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर के जो नीचे जो मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, लोकसभा की। ठीक है, टू द लोकसभा। अब देखिए इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, हम अभी भी पार्लियामेंट्री फॉर्म पढ़ रहे थे, एक बार और थोड़ा सा पढ़ेंगे कि इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म में जो गवर्नमेंट है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, लोगों के लिए। ठीक है, थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, किसके थ्रू, रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो किसके द्वारा बनाई गई है, लोगों के द्वारा, तो क्या है गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी लोगों के लिए। ठीक है, हाउएवर दिस इज़ नॉट केस इन द प्रेजिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन ये जो दूसरी टाइप की गवर्नमेंट है इसमें ये सिस्टम नहीं चलता, गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, किसकी तरफ बच्चों बताइए, किसकी तरफ, लोगों की तरफ। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर है उन्होंने देखा कि ये जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म की ऑफ गवर्नमेंट की खासियत है कि वो क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी अपने सिटीजन्स की तरफ। ऑल्दो अ प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वुड प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग एंड साउंड गवर्नेंस, लेकिन जो ये प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये एक अच्छा क्या बताती है, ये अच्छी बताती है कि जो अगर ये किसी पे रूल करती है, कोई अथॉरिटी लेती है, इनको अथॉरिटी मिलती है तो अच्छा खासा ये रूल कर लेती हैं। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज जो प्रेजिडेंट है वो क्या होता है, कौन इलेक्ट करते हैं, लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, और इसमें कोई भी तरीका नहीं होता कि जो लोग हैं किस पर डिपेंड करें या फिर जो प्रेजिडेंट है वो किस पर डिपेंड करे, लेजिस्लेचर पर डिपेंड करे, ताकि जो लेजिस्लेचर है आगे प्रेजिडेंट को सपोर्ट करके उनको क्या बना सके, प्रेजिडेंट बना सके। अब देखिए लेजिस्लेचर क्या होता है बच्चों, तो थ्री टाइप के ऑर्गन्स हमने जो है 7th क्लास में रीड आउट किए थे कि गवर्नमेंट के 3 टाइप्स के ऑर्गन्स होते हैं, फर्स्ट होता है एग्जीक्यूटिव, सेकेंड होता है लेजिस्लेचर और थर्ड होता है जुडिशरी। ठीक है, तो जो लेजिस्लेचर होता है वो क्या करता है, लॉ बनाता है, लॉ मेकिंग बॉडी होती है। एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, उस बने हुए लॉ को आगे पास करते हैं, और जुडिशरी क्या करती है, लॉ ब्रेकर्स को, लॉ को तोड़ने वालों को सजा देती है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब जो है द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ट दैट पीपल मस्ट हैव अ गवर्नमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, जो संविधान बना रहे थे, उनको ये पता चला कि लोगों के पास क्या होनी चाहिए, लोगों के पास एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो क्या हो, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उनकी जिम्मेदारी ले, इट शुड बी सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। अब क्या है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें लोगों की प्रॉपर सिक्योरिटी करनी है, लोगों को प्रॉपर तरीके से रह पाए लोग अगर। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन क्या है, बिसाइड इंडियंस वर फैमिलियर विद द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैविंग बीन सब्जेक्टेड बाय ब्रिटिश रूल, और जो लोग हैं वो ऑलरेडी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा जानते हैं, क्योंकि ब्रिटिश में भी यही वाली सिस्टम की जो गवर्नमेंट थी चलाई जा रही थी। मोर एवर इट वॉज फेल्ट दैट पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी वुड एंश्योर एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल कम्युनिटीज इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। अब ये समझा गया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वही क्या है, वही सही रहेगी लोगों के लिए, इंडियंस के लिए। ठीक है, इसलिए जो है इंडिया में किस टाइप की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बच्चों की पार्लियामेंट क्या है, व्हाट इज पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट को थोड़ा पढ़ लेते हैं कि पार्लियामेंट क्या है। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं और क्या बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं और कंट्री को गवर्न करते हैं, इसको क्या बोला जाता है, इसको ही पार्लियामेंट बोला जाता है। पार्लियामेंट इज थस द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ द पीपल, पार्लियामेंट वही होती है जो लोगों के द्वारा चुनी गई होती है। इट इज थ्रू द पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट के थ्रू होता है दैट द सोवरेन विल ऑफ द पीपल फाइंड्स एक्सप्रेशन
रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल आर चूजन बाय फ्री। अब जो रिप्रेजेंटेटिव जो ये लोग चुने होते हैं, सरकार बनी होती है, ये किनके द्वारा चुने होते हैं, लोगों के द्वारा, ठीक है, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाते हैं, ठीक है, एक फिक्स टाइम पे किसी भी टाइप का जो है घपला या फिर किसी भी टाइप का गलत चीज़ नहीं की जाती इलेक्शंस में। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या है, हमें कंसेप्ट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में भी पता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या था बच्चों, की 18+ से जो भी बड़ा है, 18+ जो भी है, उसको क्या है, राइट है टू वोट है, यानी कि वो वोट दे सकते हैं और अपनी सरकार चुन सकते हैं। जो इंडिया पार्लियामेंट है उसके 3 कंपोनेंट्स है, फर्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकंड है लोकसभा, थर्ड है राज्यसभा, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो आज की वीडियो यही खत्म होती है, आपका होमवर्क यही है कि जितना आपको करवाया गया है आप अच्छे से रीड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।